हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आयरन रिपेयर करने के लिए बताएंगे। तो यहाँ पे जो वायर जो है इसका टूट गया है, तो इसका वायर भी हम निकालेंगे दोस्तों, और इसको जैसे फिक्स आज हम बनाएंगे। तो बने रहेगा वीडियो को लास्ट तक, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो ये जो मेरा जो है ओल्ड वाला है, जो पुराना जो कॉइल था वो जल गया है, उसका पेपर ये है, मैं इसको साइड में रखता हूँ। और ये मेरा न्यू कॉइल है माइक्रोन का, माइक्रोन किंग कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मेंशन किया गया है इसका पैकेजिंग पे। और ये जो है कि दोस्तों 6 वाट का है, 6 वाट का है, और इसका जो है अच्छा क्वालिटी है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं और दिखाते हैं कि कॉइल को किस प्रकार से आप लोग को जैसे कि फिक्स करना है। कितना भाई लोग जैसे भूल जाते हैं कि कॉइल को किस प्रकार से बैठाना है, या अप का भाग कौन रहेगा और डाउन का भाग कौन रहेगा, तो इसमें पता नहीं चलता है। तो आज की वीडियो में हम जो है यही बताएंगे कि कॉइल को किस प्रकार से सेट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से कुछ जो है कॉइल आ जाएगा। तो हम बताएंगे यहाँ पे जो ये जो जो पतला वाला लेयर जो है वो जो दोस्तों जैसे कि नीचे की तरफ रहेगा। देखिए ये वाला जो चमकदार जो लेयर है ये जैसे कि नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि कॉइल जो है कि इसी प्लास्टिक के जो है कि अंदर रहता है, और यहाँ पे जो है कि हीट ज़्यादा होता है। तो हीट हमारा जो है कि ज़्यादा नीचे ज़रूरी है, तो इसको जो है कि हम नीचे की साइड में रखेंगे। तो ये जो है कि ओवर ज़्यादा हीट होता है, तो इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले मेरा एक स्क्रू निकल गया है, तो हम इस स्क्रू को जो है कि अच्छा से पहले हम फिक्स कर लेते हैं, इसके बाद हम कॉइल को लगाएंगे इसमें। तो कुछ इस प्रकार से जो है कि फिक्स कर लेना है, क्योंकि वह निकल चुका था। तो देखिए हम इसको लगा रहे हैं अच्छा से, तो प्रॉपर लग गया। अब इसको हम अच्छा से टाइट करते हैं हल्का। ये मेरे पास प्लास नहीं था, इसकी वजह से मैंने कटर से इसको टाइट कर लिया। और कॉइल को जैसे कि निचली सतह है, तो नीचे की सतह है, तो यानी फिर इसको जैसे कि नीचे की तरफ रखना पड़ेगा, जहाँ पे मेटल है, जहाँ से आयरन मेरा दिया जाता है। तो इस प्रकार से नीचे हम फिक्स कर लिए, बिल्कुल सेंटर में आप लोग को फिक्स कर लेना है, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और वापस से जो है कि ऊपर से एक इसका लॉक करने वाला है, कॉइल को जो लॉक करेगा या फिर कॉइल को जो फिक्स करने का तरीका है वो इस प्रकार का रहेगा। ऊपर से इसको बिल्कुल सेंटर में आपको जो है कि सेट करना है। दो वाशर यहाँ पे मिलेगा, तो वाशर को इस प्रकार से कस लेना है, दोनों को टाइट अच्छा से कर लेना है। तो पहला को हम पहले टाइट कर लेते हैं इसको, और देखिए हम किस प्रकार से टाइट कर रहे हैं इसको। टाइट जो है दोस्तों हल्का मीडियम करना है, पूरा ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हो सकता है कि कॉइल ब्रेक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग जैसे कि जितना फिक्स हो सके, एक अंदाज हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मेरा फिक्स हो जाएगा। तो अब उससे ज़्यादा जो है कि टाइट नहीं करना है, तो यहाँ पे ब्रेंच की मदद से जो है कि इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों नट जो था दोस्तों उसको हम अच्छा से टाइट कर दिए हैं, बिल्कुल रेंज की मदद से। अब ये जो है दोस्तों कॉइल हिले डुलेगा नहीं, ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है। और वो दोनों कॉइल का जो पॉइंट है वो इस दोनों पॉइंट पे आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसमें जो है कि वायर लगा लेते हैं बिल्कुल नया, और इसके बाद जो है कि इसको हम जो है कि बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, किस प्रकार से खोल लेना है आप लोग को। ये जो है कि यहाँ पे ग्राउंड का वायर है, तो आप लोग ग्राउंड को भी दे सकते हैं, थ्री प्लग तार होगा तो। और यहाँ से दूसरा स्क्रू भी हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्क्रू खुल गया, और अब हम इसको अलग साइड में करते हैं। और यहाँ पे जो दो पॉइंट है जिसमें कॉइल जुड़ाएगा, तो इसमें जो है कि दो तार जो है कि जोड़ देना है। तो देखिए फर्स्ट वाला वायर हम इस प्रकार से लगा रहे हैं, कॉपर का वायर है अच्छा क्वालिटी का, और इस प्रकार से लगाना है। तो देखिए इस प्रकार से हम टाइट कर लेते हैं इसको, यहाँ से एक्स्ट्रा भाग को कट कर लेते हैं, हो सकता है कि बॉडी में टच होगा। तो यहाँ पे सावधानी पूर्वक जो है आप लोग को टाइट करना है, क्योंकि यहाँ पे चीनी मिट्टी देता है और वो जो है कि इंसुलेटर के रूप में देता है, तो इसको अच्छा से फिक्स करना है। क्योंकि अगर अच्छा से आप लोग नहीं कीजिएगा तो बॉडी में करंट भी आ सकता है। तो इसको जैसे कि बिल्कुल सेंटर पे जो है रख करके नट को टाइट करना होता है। तो बिल्कुल हम यहाँ से टाइट कर लेते हैं, तो इसी प्रकार से जो है कि दोनों पॉइंटों में जो है कि यहाँ पे आप लोग जो है तार निकाल लेना पड़ेगा। तो चूँकि इसका वायर जो है जल गया था, तो मैंने यहाँ पर नया वायर जो है कि लगा दिया दोनों में। और ये जो है कि वायर जो है कि दोनों पॉइंट है जिसमें कॉइल का जो है कि इनपुट लाइन इसमें मिलेगा। तो यहाँ से हम इसको जो अब फिक्स जो है कि यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे टाइट कर लेते हैं ताकि बॉडी जो है कि हिले ना। और यहाँ से दोनों पॉइंट में जो है कि वहाँ पे गया है कॉइल वाला पे, तो अब इसको जो है कॉइल को हम फिक्स कर देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट इसमें कस देंगे हम, पहला जो पॉइंट है कॉइल का, और दूसरा पॉइंट जो है कि इसमें कस देंगे। यानी दोनों को दो पॉइंट दिया है, तो दोनों में जो है इस प्रकार के लगा करके, और आप लोग को जो है कि इसके ऊपर से जो नट होता है उससे नट से जो है कि आप लोग को टाइट कर लेना है। तो अब यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट को जो है अच्छा से फिक्स कर लिए हैं, और दोनों अच्छा से कॉइल जो है कि यहाँ पे सेट हो गया। देखिए यहाँ पे सेट हो गया। अब इसको जो है कि ऊपर से हम फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से आसानी से। कॉइल को जो है कि टूटना नहीं चाहिए उसका पॉइंट, क्योंकि टूट जाएगा तो कॉइल जो है कि मेरा वेस्टेज चला जाएगा। तो बिल्कुल अच्छा से इस प्रकार से फिक्स कर लेना है। और यहाँ पर एक वाशर दिया गया है, वाशर देखो फिर से यहाँ पर नट दिया गया है, तो हम यहाँ पर टाइट कर लेंगे बिल्कुल अच्छा से, ताकि बॉडी मेरा हिले डुले नहीं, और अच्छा से इसको टाइट कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग को टाइट कर देना है रिंच की मदद से,
और देखिए यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे टाइट हो गया है। तो अब यहाँ पे बारी आती है इसका कनेक्शन का। तो ये जो है दोनों कॉइल का पॉइंट है, तो यहाँ पे हम कट कर देते हैं और इसमें जो है कि न्यू वायर को हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे 3 फेज वायर है और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है, जिसका जो दोस्तों मेन होता है वो होता है ब्लैक और रेड, ये दोनों मेन होता है। और जो ग्रीन कलर का वायर होता है दोस्तों वो होता है ग्राउंड, यानी बॉडी में जो है कि जुड़ाएगा। तो यहाँ पे जो है कि हम इस प्रकार से गांठ लगा दिए ताकि वायर जो है बाहर की तरफ निकले नहीं। और इस प्रकार के स्विच है, तो वो स्विच को हम इस प्रकार से फिक्स कर देते हैं। पहले एक जो कॉइल है उसको हम स्विच में दे देते हैं। जो कॉइल का जो 2 पॉइंट था वो एक पॉइंट को जो डायरेक्ट जो स्विच में कर दिए, और मेन जो मेरा जो रेड कलर का वायर है उसको भी स्विच में कर दिए। और बच गया एक वायर जो है कि कॉइल का और एक वायर मेन बच गया। तो वो दोनों वायर को जो हम इस प्रकार से फिक्स कर देते हैं एक में, और इसके ऊपर जो है कि हम PVC टेप लगा देंगे ताकि इंसुलेटर बना रहे, ताकि बॉडी में जो है करंट ना आवे। तो इस प्रकार से हम टेपिंग भी इस पर कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से जो है कि हम फिक्स कर लेना है और स्विच को जो है कि हम लगा दिए। अभी दोस्तों यहाँ पे हम ग्रीन कलर का वायर जो है ग्राउंड में नहीं जुड़े हैं, अगर चाहते हैं आप लोग तो ग्राउंड में जोड़ सकते हैं। और देखिए स्विच को इस प्रकार से फिक्स कर देना है। तो स्विच का भी जो स्क्रू है उसको मैंने भी टाइट कर लिया। और फाइनली बारी आती है चेक करने के लिए। तो मेरे पास इन्वर्टर है तो इसको हम मेन में नहीं चेक कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 400 वाट का इन्वर्टर है। तो हम यहाँ पे देखिए ऑन कर रहे हैं। देखिए मेरा सीरीज का बल्ब जो है कि जल गया, यानी मेरा जो टेस्टिंग है वो ओके हो गया। यहाँ पे स्विच देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ कर रहे हैं तब जाकर जो है कि ऑन हो रहा है। तो मेरा स्विच जो है उल्टा कसा गया है, जिसको आप लोग सीधा कर लीजिएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।